हाइड्रा क्या है, डेंजर, फिर भी उससे बढ़िया प्लेयर नहीं था कोई आईजीसी में। अबे तो इस भाई एक्टर डेंजर बट गॉब्लिन वो, भाई एक कमाल बताए तुम लोग को, जब मैं इनसीन में था ना तब हमारा ऐसा भी चल रहा था कि हम हाइड्रा जाने वाले थे, बताए तुम लोग को? तो इस भाई हाँ, अमित नियो को तुम्हारे बता, नहीं भालो याद है पासी अपन हाइड्रा जाने वाले थे? अमी पन तुम्हारे को भालो पासी याद नहीं कभी तेरे ये वो को? तू रसगुल्ला नहीं था क्या तब? खाना, टीएस को रसगुल्ला स्लॉट खाना नहीं चाहिए। मिला थॉट्स टीएस को स्टॉक किसमें नहीं मिला पहले ये ईएमजी बताओ, बाद स्लॉट, में टॉर्च हुआ ईएमजीसी। अच्छा तो डिसाइडेड था ब्रो कि नहीं मिला। अब मिलेगा अभी, नहीं तो कभी हाँ मिलेगा, भाई अभी तो गॉब्लिन टाइम है वापस भाई। कब आ रहा है भाई, ये जो सेक्सी हाईलाइट बनाया करता था एक हाँ वो टाइम पे टाइम भाई है, अब यार, नहीं बनाता भाई, अब तो अब तो यार सब बदल गए नए भाई। सोल के बनाता है हो भाई। गए बातचीत कर लेते हैं अबाउट मुझे क्या बात करनी थी वो। तो यार अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे ख्याल से काफी, आई थिंक तुम लोगों ने पता नहीं किस कुछ कुछ लोगों ने शायद पुरानी मैनेजमेंट को काफी ज्यादा पोक किया है यार, आई डोंट नो क्यों किया है क्या किया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो यार देखो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड यार, मत करो किसी को पोक कि आप ये करोगे क्या, वो करोगे क्या, आप खेलोगे क्या, आप नहीं खेलोगे क्या, तो ऐसे पोक वोक मत, ब्रोकन थैंक यू फॉर द मेंबरशिप बड़ी, ऐसे पोक वोक मत करो भाइयों, है ना। हम देखो हम हमारा हमेशा मोटिव ये रहा है कि विल ट्राई टू ऑलवेज मेक अ गुड कम्युनिटी, ठीक है। एंड मेरा हमेशा मोटिव ये रहा है कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक कम्युनिटी होती है तो बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाती है ना, तो वो एक अच्छा हो जाता है, राइट। जीपे मिस हो गया, जीपे क्या पता नहीं यार, यहाँ पर नोटिफिकेशन तो नहीं है बट एनीवेज मैं देखता हूँ। तो मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए एंड वो एक कम्युनिटी हमेशा आगे बढ़नी चाहिए। बट अगेन देखो हर किसी का ये मोटिव नहीं रहता, हर किसी का ये सोच नहीं रहती है, हर किसी की अलग अलग सोच रहती है, तो जरूरी नहीं कि इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। मेरा मेरा ऐसा मानना है कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए, एक सर्वर होना चाहिए जहाँ पे सब लोग एंजॉय कर सके, बट हर किसी की ऐसी सोच नहीं होती है, हर किसी का ऐसा क्या कहते हैं लुकआउट नहीं होता चीज़ों को देखने का, तो वही है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जहाँ पे चीज़ें काफ़ी फ्रेंडली हो, लोगों को ये ना लगे कि यार हम एच टी आर भी खेलने जा रहे हैं, लोगों को लगे कि भाई हम अपना ही सर्वर खेलने जा रहे हैं, ये मेरा मोटिव है काइंड ऑफ अगर आप देखो तो, ठीक है। एंड इसलिए हम लोग ओपन भी है सर्वर से कोलैबोरेशन के लिए, यू नो आई हैव अ वर्ड विद माय टीम कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसे सर्वर आता है जो हमसे कोलैब करना चाहे, यू नो जिससे प्लेयर बेस अच्छा खासा बिल्ड हो एंड लोगों को एक अच्छी चीज़ देखने मिले, बिकॉज अभी अच्छी आपके में जो चीज़ें आ रही है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही है, काफ़ी नई चीज़ें आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को नया एक्सपीरियंस मिले, बिकॉज हर बार देखो सेम चीज़ें होती है ना, वही रॉबरी, वही स्टोर रॉबरी, वही फलाना ढिमकाना चीज़ें, वही एमएलओज पुराने से, है ना। तो मैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नई नई चीज़ें आपको देखने मिले इस सर्वर में, एंड अगर और अगर सर्वर इसमें मर्ज होते हैं या कोलाबोरेशन होता है तो ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा लोग को नई चीज़ें एन्जॉय करने का मौका मिलेगा, ये मेरा मकसद है, मतलब मकसद मेरा यही है। अब हर किसी का मकसद ऐसा नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है, तो उनके माइंडसेट को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं चाहता हूँ, बट हाँ मैं ये मैं इमेजिनेशन रखता हूँ ये कि ऐसा फ्यूचर में कर सकते हैं, अगर होगा तो होगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम तो चलाएंगे चलाएंगे, अच्छी बात है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, हो सके तो यार बाकी किसी को पोक मत करो, जिनको खेलना रहेगा वो खेलेंगे, जिनको नहीं खेलना रहेगा, वेल विशर थैंक यू, मैं आपका चैट पढ़ता हूँ थोड़ी देर में, जिनको नहीं खेलना रहेगा वो नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो अभी हम किसी को बंदूक रखे तो नहीं बोल सकते ना कि भाई नहीं खेल खेल खेल, ऐसा नहीं है, हर एक की मर्जी है। यू नो मैं सबको बहुत ज्यादा विश करता हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ भी उनका प्रोग्रेशन हो रहा है बहुत अच्छा प्रोग्रेशन हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं नहीं चाहता कि यार वो एक सर्वर आया है तो सब कुछ बंद बुंद करके छोड़ के ऐसा कुछ करे, जो कि वो ऑब्वियसली पता नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो एक अच्छी चलती स्टोरी को एंड करके वापस से करना थोड़ा बहुत लगता है लोगों की, भाई इतना मेहनत किया है तो यू नो एंड नहीं करते, तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा। बाकी जिनको खेलना है वो डेफिनेटली खेलेंगे, मेरी तरफ से पूरा ओपन आर्म्स वेलकम है सबके लिए, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट, अरे रिडीम कोड दूंगा भाई, रुक जाओ यार रिडीम कोड दूंगा मैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अब रिसेंटली यार ऋत्विक ने एक स्ट्रीम करी थी, मेरे दर्पण ने बताया था कि उसमें को मैसेज क्या बकचोदी हो गई करके, फिर से बकचोदी स्टार्ट हो गई या बकचोदी हो गया ऐसा कुछ, उसका मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज था। तो मैंने वो स्ट्रीम देखी नहीं क्योंकि मैं कभी ये बवासीर चीज़ें नहीं देखता हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ के बारे में, मैं कभी इन सब में नहीं पढ़ता हूँ तो मैं देखता भी नहीं। तो उसने कुछ मेरे को पॉइंट्स भेजे, तो उस पॉइंट सबसे पहले मैंने उसको डांट लगाई कि भाई तूने ही कुछ किया होगा, तभी जाके वो बंदा स्ट्रीम पर कुछ बोल रहा है तेरे बारे में, वरना एवं कोई क्यों ही उठ के बोलेगा ना यार कि भाई यू नो इसने ऐसा किया इसने वैसा किया तो ही मैं नहीं खेलूंगा या ऐसा कुछ, आप यकीन नहीं करोगे। मैं सबसे पहले उसको डांट लगाई है, मैंने मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं किया कि भाई स्ट्रीम किस बारे में है, क्या कहते हैं पॉइंट क्यों रेज हो रहे हैं इसके ऊपर ऐसे, ऐसा क्या है, मैंने कोई जानने की कोशिश नहीं करी, मैंने सबसे पहले उसको डांट लगाई कि भाई तूने भी बकचोदी किया होगा, स्ट्रीम पे कुछ बोला होगा, तभी जाके ये बवासीर स्टार्ट हुआ है, वरना ये नहीं होता। तो मुझे कहता है कि भाई आप शकुनी मामा हो क्या, आपका दिमाग शकुनी है क्या, आप मेरे को डांटते रहते हो करके, तो कहता भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार अगर इसने कुछ बोला तो फिर पॉइंट क्या था इतना बोलने का, अगर आपको कुछ लोग अगर बोल रहे हैं कि भाई अगर आप खेलोगे कि नहीं खेलोगे तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई हम नहीं खेलेंगे, ये हमारा कहीं पे प्रोग्रेशन चल रहा है तो हम वहाँ कंटिन्यू करेंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठना, पुरानी चीज़ को लेके घसीटना और उसको यहाँ लेके आना और फिर स्ट्रीम पे बवासीर मचाना, वो थोड़ा सा वियर्ड है। आई मीन दिस कुड हैव बीन डन ऑन डिस्कॉर्ड एज वेल कि भाई यू नो, या मुझे वो बोल सकते थे कि भाई डानो भाई देखो ऐसा है यार हम हमें लोग आके बोल रहे हैं बट यू नो हमारी स्टोरी कंटिन्यू चल रही है, या फिर यू नो ये हमारे पर्सनल रीजन है कि हम नहीं खेल पाएंगे, मे बी इन फ्यूचर खेलेंगे बट नहीं खेल पाएंगे, जो भी है ऐसा मेरे को बोल सकते थे, बट पता नहीं भाई अभी ग्रुप बना के उसके ऊपर चढ़ जाना
और पुरानी चीजों को लेके बैठ जाना कि भाई ये चीजें इसलिए हम ये नहीं करेंगे, तो भाई ये थोड़ा सा आई मीन बहुत बेकार है। इससे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा बुरा मेरे को लग रहा है कि भाई ये चीजें सामने आई है। क्यों मैं बताता हूँ, अब ये चीज करने के बाद लोग उनको और ज्यादा टॉन्ट मारेंगे। यू नो अगर नहीं खेलना था तो आप ऐसे बोल सकते थे कि भाई यू नो स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए नहीं खेलना चाहते, या फिर कुछ रीजन से इसलिए नहीं खेलना चाहते। अब एक बंदे को पकड़ के चढ़ गए और ऐसे बोलोगे वही पुरानी बात को लेके और बताओगे कि भाई नहीं ये ऐसा वो ऐसा इसलिए नहीं खेलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है लोग तो यही समझेंगे ना कि भाई हम नहीं खेलना है। तो मतलब थोड़ा सा अलग सीन है। अब लोग अगर इसकी लोग अगर इस चीज़ को लेकर अगर कुछ टॉन्ट वॉन्ट मारेंगे बोलेंगे तो भाई फिर यू हैव टू टैकल इट बिकॉज यू हैव डन इट दैट टू ऑन स्ट्रीम राइट। इसको आप काफी अच्छे वे में सॉल्व कर सकते थे, बट थोड़ा सा बवासीर मचा दिए तो मचा दिए, अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी तो हमारे तरफ से तो भाई हर कोई खेल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं क्या ये हर कोई खेल सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई कि ये नहीं खेलेगा वो नहीं खेलेगा। अरे गिर गया, ये नहीं खेलेगा वो नहीं खेलेगा, इसको नहीं खिलाएंगे उसको नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, आई बिलीव इन मिटाओ बवासीर। और ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यार देखो अगर मैं अपने बंदों का स्टैंड नहीं लूंगा तो फिर लोग अपने बंदे समझेंगे कि भाई देखो यार हमारे बारे में इतना कुछ बोल दिया और भाई ने स्टैंड भी नहीं लिया ऐसा। और अभी आप ये देखो दर्पण चाहता तो कुछ ना कुछ बोल सकता था स्ट्रीम करके, उसके बाद भी काफी चीजें थी बोलने के लिए, बट यू नो थोड़ा बहुत मेरी संगत में रखे थोड़ा मैच्योर बन रहा है इसलिए वो शांत बैठा है, वरना वो भी बोल सकता था, या वरना चीजें कहाँ की कहाँ चली जाती है ना, बोल सकता था वो भी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला, तो ये भी अच्छी बात है कि नहीं। एनीवेज हाउ दैट्स इट, जय माता दी, लेट्स रॉक।